मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिन्दुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिन्दुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़मूल से उखड़ जाएगा, राज्यों के अधिकार हत्या करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर।